हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सहारा इंडिया का जो बैलेंस है वो आखिर कब आएगा, उसका फाइनली डेट अनाउंस हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीने से आप फॉर्म भर रहे हैं, आप अपना फॉर्म का स्टेटस देख रहे हैं, आप 45 दिन गिन रहे हैं, लेकिन आपका पैसा सहारा इंडिया का रिफंड नहीं हो रहा। तो देखिए आज की अपडेट कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि भाई यहाँ पर वही खबरें होती हैं जो आपको लाभ दिलाती हैं, जो आपको जानकारी देती हैं। जानकारी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। अगर आप उपभोक्ता हैं, आप पैसे लेना चाहते हैं सहारा इंडिया के और बिल्कुल परेशान हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी कारगर होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बार बार मुझे दोहराना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आप लोग कमेंट में बार बार वही चीज़ कहते हैं। जैसे आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद जो हमारे अमित शाह गृहमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था कि आप आवेदन करिए, आपको 45 दिन के अंदर आपके पैसे आपके खाते में होगा। बट ऐसे नाम मात्र कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके पैसे 45 दिन के अंदर आ चुके हैं। आपको बता दें लगभग यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या पूरे भारत में सहारा में आँख मूंद कर पैसे निवेश की थी। हालांकि सहारा ने लोगों का पैसा दिया भी, लेकिन इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पैसे फंसा कर रखे। 2400 करोड़ रुपए की बात है, ठीक है, 24,000 करोड़ की बात है। इतने पैसे जनता ने भारत की सहारा रिफंड पोर्टल पर या सहारा जो लिमिटेड कंपनी है उसके ऊपर लगाया है। लेकिन बजट कितना है, बजट 5000 करोड़ है, देना कितना है 24000 करोड़। अब 5000 करोड़ में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 100 रुपये बांटना था वो 25 ही रुपये बांट रहे हैं, तो जिसको 4 रुपये मिलना था उसको 1 रुपये मिलेंगे। कहने का मतलब साफ है कि अगर आपका 1 लाख रुपये है तो ये मान चलिए कि आपको 10,000-15,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, फिर से बजट आएगी तो फिर मिलेंगे। लेकिन इस 5000 करोड़ रुपये में लोगों को बांटा जाएगा, अब किसी को थोड़ा मिलेगा, किसी को बहुत थोड़ा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि पैसे जो है आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जमा किए हैं, 24000 करोड़, और आपका बजट जो पास हुआ है वो 5000 करोड़ का है, जिसकी वजह से बजट कम है तो पैसे भी आपको थोड़े थोड़े मिलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि ये पैसे कब मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको फाइनली बता दूँ, पैसे का कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है कि आपको इस तारीख को इस महीने में दे दिया जाएगा। एक जो रिपोर्ट के मुताबिक है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर निकल कर आ रही है, वो ये है कि आपका पैसा आपको जल्द मिलेगा। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने सूत्रों के हिसाब से पता लगाया, आगामी सामने चुनाव है और सरकार उसी चुनाव में अपना हवा बनाने के लिए, चाहे कोई भी सरकार होती है, वो गिराने के लिए करती है। और आपका पैसा उसी चुनाव के समय आएगा ताकि आप खुशी से खिल जाएं। यहाँ पर देखिए बात ये हो रही है कि आपको फ्री में पैसा नहीं दिया जा रहा, आपका ही पैसा इतनी मुश्किल से दिया जा रहा है कि आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे कि मेरा पैसा मुझे मिल गया। सोचिए अगर दूसरी का पैसा आपको लेना होता तो क्या करना होता, ये आपका अपना खुद का पैसा है। इसके बाद फॉर्म भरो, वेरिफिकेशन कराओ, स्टेटस चेक करो, पता नहीं क्या क्या तिकड़मबाजी है सारी चीज़ें। तो इस बात को आप समझें कि आपका पैसा तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। बट हाँ, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, आपको सब्र करने की ज़रूरत है, जो कि आपके पास वही रास्ता है। तो सरकार ने पोर्टल शुरू करा दिया है, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर लेना। आवेदन करने के लिए आपके पास आपके जो बैंक ड्राफ्ट है, या फिर कह सकते हैं जो सहारा का ड्राफ्ट है, जो कागज़ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, वो होना चाहिए। एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। इतनी ही चीज़ें चाहिए और इतने से आपका आवेदन हो जाएगा और पैसे आपके आएंगे। अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर इसके बाद आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और आप मेंशन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दिल खोल के मैसेज करें। और हाँ, वीडियो को जम के शेयर करें, और साथ में आपको बता दें कि आपके भाई का चैनल आप लोगों की वजह से है, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, उसके लिए दिल से सैल्यूट है। जो भी हो सके कमेंट करिएगा, आपका पूरा सहयोग करने का प्रयास करूँगा। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।